सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर मैं वीरेन सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। Hey guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Virendra Singh और आप जुड़े हुए हैं Smart Learning Academy चैनल के साथ। तो मैं आपको बता दूं, Smart Learning Academy आपके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स आपके बेटरमेंट प्रिपरेशन के लिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके, तो बूस्ट योर प्रिपरेशन स्मार्ट लर्निंग अकेडमी लेके आया है कई सारे क्रैश कोर्स, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज एंड योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी टिप सीरीज। सो लॉट्स ऑफ सीरीज आर देयर, सो वी आर गोइंग टू ऐड वन बाई वन वीडियोज और वी आर गोइंग टू टेक लाइव सेशंस इन दोज सीरीज फर्दर इन नेक्स्ट सम वीक्स और सम मंथ्स। सो यहाँ पे जब हम बात करने वाले हैं कि आप जुड़े हुए हैं स्मार्ट लर्निंग अकेडमी के साथ, तो ये क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है। क्रैश कोर्स पे ध्यान रखे रहिएगा कि हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलता है, 10 बजे जनरली लाइव किया जाता है वो एक वीडियो। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको, और बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं ताकि 10 बजे जब भी वो वीडियो अपलोड होता है आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सके। ये क्रैश कोर्स आपके प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में ये सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, दैट इज द बॉन्डिंग। बॉन्डिंग से डिस्कस करूंगा। बॉन्डिंग इज लाइक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। इन बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? इन सारे बॉन्डिंग को बोला जाता है दैट इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। क्या बोला जाता है? ये आपको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के फॉर्म में, इसको बोला जाता है मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड में जो होता है कंप्लीट ट्रांसफर्स होते हैं, ज्यादातर आयंस ही इन्वॉल्व होते हैं, मेटल्स आयंस जिसको बोलते हैं, मेटल आयंस इन्वॉल्व होते हैं इस पार्ट में। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जहां पे एक कैटायनिक होते हैं और एक एनायनिक होते हैं। कैटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को लेके रखते हैं। कैटायन के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग होती है वहां पे। अब शेयरिंग इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन है, इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम होगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो क्या है? सेम है। पोलर, तो सॉरी, ये आपका नॉन पोलर होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रो शेयरिंग जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो नॉन, जब इक्वली शेयर होगा, जैसे कि O2, तो O2 में इक्वली शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये नॉन पोलर हो जाएंगे। और जैसे कि HF3, ठीक है, HF3 की बात करें तो ऐसी जगह पे जहां पे कि 3-1 हाइड्रोजन से 3 फ्लोरीन जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, तो शेयरिंग अलग होती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। केटायन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं? मेटल आयंस यहाँ पे यूज होते हैं, कोई भी मेटल आयंस यूज हो रहा है तो मेटालिक बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड्स कैसे हैं? ये सारे बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो दीज आर बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में की बात करें सो दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस है, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट है एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्ड में ये जो फोन का कॉन्सेप्ट होता है कि एक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है ये जीरो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म में जुड़े हुए हैं और ये डॉटेड, ये क्या होंगे? एक पर्टिकुलर दूसरे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो ये आपके क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। फोन यूज होता है यहाँ पे, फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से अगर कोई एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये फिर एक हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ के उनसे इंटरैक्ट कर रहा है, तो इट इज अ वीक बॉन्ड। इस तरीके से यहाँ पे यूज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, या इन जो बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा था लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस यूज होते हैं, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस जो कि टेम्परेरी इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन, कोई एलिमेंट है उसमें टेम्परेरी इम्बैलेंस होता है तो वहां पे उनको बोला जाता है वंडर वॉल फोर्सेस। इनको एक और इंटरेक्शन बोला जाता है वंडर वॉल फोर्सेस, दैट इज द वीकेस्ट बॉन्ड। क्या होता है? वीकेस्ट बॉन्ड होता है वंडर वॉल फोर्सेस। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वाटर या हाइड्रोफोबिक इन्वेंट, उससे जब फोबिया होता है कुछ अमीनो एसिड्स या कुछ ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स जो कि वाटर से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगते हैं। कहते हैं ना कि
दोस्त दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो वाटर के दो दुश्मन एक दूसरे के साथ बाइंड करने लगते हैं तो वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में आ जाता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो कोवेलेंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, फिर आयनिक, फिर मेटालिक, फिर हाइड्रोजन, फिर डायपोल डायपोल। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ये जो सिस्टम लिखा गया मेटालिक के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कैसे बॉन्ड है, ये आपके केमिस्ट्री सिस्टम में होता है, केमिस्ट्री में ऐसा होता है, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में जरा सा बॉन्ड एनर्जी चेंज होता है। सबसे पहले जो होता है वो कोवेलेंट होता है, फिर आयनिक होता है, और उसके बाद होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर सबसे वीक में होता है, दैट इज द वंडरवॉल। ये बायोलॉजिकल सिस्टम में पूछा जाता है कभी कभी एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी कोवेलेंट इंटरेक्शंस की जब बात करते हैं तो कोवेलेंट इंटरेक्शंस ज्यादातर जो इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, ठीक है, कोवेलेंट इंटरेक्शंस की एनर्जी कितनी होती है, अगर मैं बोलूं तो कोवेलेंट इंटरेक्शंस की एनर्जी होती है 80 किलो कैलोरी, आयनिक की 40 किलो कैलोरी, हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है 3 to 5 किलो कैलोरी, एंड वंडरवॉल फोर्स की 0.3 to 0.5 किलो कैलोरी। ये होती है एनर्जी इन बॉन्ड्स की, ये कैलोरी में है, किलो कैलोरी में है। अगर जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको क्या करना है, 4.82 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मतलब ऑलमोस्ट 5 times मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा अगर जूल में कन्वर्ट करना है। जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 400 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं ये फॉर्म जो एनर्जी के फॉर्म में है। दिस इज द बॉन्डिंग पैटर्न, दिस इज द बॉन्डिंग इन द केमिस्ट्री। नाउ उसके बाद बात करता हूं बायोलॉजिकल में कोवेलेंट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो शेयरिंग होती है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में इंटरेक्शन जो होता है आयनिक बॉन्ड से ज्यादा शेयरिंग के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। शेयरिंग जो होती है यहाँ पे ज्यादा अच्छी शेयरिंग होती है जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है। शेयरिंग जो होती है वो ज्यादा, जैसे कि वाटर से इंटरेक्ट करना है, उसके बाद ज्यादातर इंटरेक्शन कैसे होते हैं, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में सुना हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये कैसे होते हैं, इनपे शेयरिंग बहुत स्ट्रांग होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें, तो शेयरिंग इन जो होती है वो स्ट्रांग होती है, इसी वजह से ये ज्यादा स्ट्रांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट दैट इज द पीएच एंड बफर कॉन्सेप्ट, ठीक है, पीएच एंड बफर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ। दैट इज द एसिड जो होता है प्रोटॉन डोनर होता है, बेस जो होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, पीएच प्लस पीओएच मिलके बनाते हैं 14, ठीक है, पीएच प्लस पीओएच मिलके बनाते हैं 14। पीएच जो होता है वो उसको बोला जाता है निगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, निगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है पीएच, और पीओएच को अगर यहाँ पे बात करूं दैट विल बी द 14 माइनस पीएच भी कर सकते हो, या आप लिख सकते हो निगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द पीओएच। एच प्लस जो होता है इसको अगर लॉग को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले माइनस को हटाइए, माइनस पीएच, और 10 to power माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा लॉग की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, उन्हीं लॉग के बेसिस पे ये चीज सॉल्व की जाती है, ठीक है। लॉग की अलग अलग बेसिस होते हैं, जैसे लॉग का बेस होता है 10 तो इसको बोलते हैं नॉर्मली लॉग, अगर लॉग का बेस होता है ई तो इसको बोलते हैं ln, और एक होता है लॉग का बेस 2 इसको बोलते हैं log 2, ठीक है। तो अलग अलग बेस होते हैं, उसके बेसिस पे अगर कुछ सॉल्व करना कि log x is equal to y है, ln x is equal to y है, log 2 is equal to x is equal to y है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाती है दैट इज 10 to power y, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी e to power y, दैट इज x की वैल्यू यहाँ हो जाएगा 2 to power y। इस सिंपली इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे लॉग की वैल्यू चेंज हो रही है। लॉग की जो वैल्यू होती है हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन एक बफर कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है, वो बफर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो बफर होते हैं वो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बनता है। तो इस कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो डिसोसिएशन होता है वीक एसिड या वीक बेस का, तो वहां पे कैलकुलेट किया गया है पीएच, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन, सॉल्ट ऊपर होता है, वीक एसिड लाइक CH3COONa ये वीक एसिड के फॉर्म में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में जैसे कि HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो इस फॉर्म में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, CH3COONa जो टूटेगा यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ अब एक बात आती है कि pKa pH जो होते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, एक केस यहाँ पे बनता है केस नंबर 1,
If the salt concentration is greater than the acid concentration, then pH will be greater than pKa. Second case, if the salt concentration is equal to the acid concentration, then it will be pH is equal to the pKa. And if third, that is the salt concentration is less than acid concentration, then the pH is less than pKa. ये कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है जो कि जनरली पूछा जाता है अलग अलग केसेस में. नाउ अगर सॉल्ट अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, वही अगेन पीके को इधर भेजिए और लॉग हटाने के लिए 10 टू पावर कर दीजिए, पीएच माइनस पीके सॉल्ट अपॉन एसिड आ जाएगा. एक फॉर्म आता है जिसके लिए बोलते हैं आयनिक स्ट्रेंथ, जिसका फॉर्मूला पूछा जाता है आई इज इक्वल टू हाफ हाफ समेशन ऑफ सी आई जेड आई स्क्वायर. ये पूछा जाता है हाफ सी आई जेड आई स्क्वायर. तो याद रखे रहिएगा कि जनरली ट्राई के टाइम्स अगर मैं बोलूं कि टोटल आयन कैलकुलेट करिए पूरा सम कितना है, इसमें एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देता हूं जो जनरली आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा आयनिक स्ट्रेंथ को. वो क्या छोटा सा इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेट द टोटल आयन, कि टोटल आयन कितना है पूरे कंपाउंड में, कैलकुलेट द टोटल आयन. ठीक है, टोटल आयन, दैट्स वाई फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सी हियर. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल NaCl, इसमें टोटल चार्ज कितना, एक प्लस एक माइनस, टोटल चार्ज है दो, दैट इज व्हाट टोटल चार्ज. जैसे कि CaCl2, कैल्सियम पे दो चार्ज होता है, Cl पे माइनस, टोटल चार्ज कितने हैं, तीन. तो टोटल चार्ज आपको देखना है दो है, तीन है, चार है, कितना है. जैसे कि AlOH3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम पे थ्री प्लस होता है, OH पे एक माइनस, टोटल चार्ज चार. तो अगर टोटल चार्ज दो है, टोटल चार्ज तीन है, टोटल चार्ज चार है, दो होता है, तो आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन, सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है. अगर तीन है तो आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द थ्री इंटू कॉन्सेंट्रेशन, सीधा थ्री के बराबर होगा. और फोर है तो सिक्स इंटू थ्री इंटू कॉन्सेंट्रेशन, ट्रिपल टाइम होगा. और जब फोर होगा तो सिक्स टाइम्स होता है कॉन्सेंट्रेशन का. This is a simple trick to solve the ionic strength without using any like इस formula को expand करके time waste करने के बजाय आप सीधे सीधे यहाँ से solve कर सकते थे. Hey guys, hope कि आपको बहुत मजा आया होगा video देख के. अगर आपको मजा आया होगा तो जरूर comment box में लिख के बताइएगा. अगर आपको एक session पसंद आया है तो please do like and subscribe the channel and इस video को आप अपने friends के साथ भी share करिए जो भी इस field में preparation कर रहे हैं. क्योंकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना कंटेंट जो है फ्री प्रोवाइड कर सकूँ और उन लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज को. सो आप लोग भी थोड़ा सा इसमें हेल्प करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि सबको ये चीजें फ्री में अवेलेबल हो सके और वो स्मार्टली अपने एग्जाम के प्रिपेयर कर सके. आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. एंड आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे. CSIR NET क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना. बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके CSIR NET प्रिपरेशन को आसान. डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए.